आज यहाँ पढ़ना है 10th क्लास की मैथ, और 10th क्लास की मैथ में आज यहाँ पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आज यहाँ पढ़ना है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आज यहाँ इसका प्रश्न है कि संयोग के एक खेल में एक तीर तीर को घुमाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक तीर इसको घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है। इसमें चार ऑप्शन है, फर्स्ट यहाँ पर कि 8 को करेगा, और सेकंड यहाँ पर कि एक विषम संख्या को करेगा, और थर्ड यहाँ पर कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और फोर्थ यहाँ पर 9 से छोटी संख्या करेगा। तो सबसे फर्स्ट इसको यहाँ पर लिखेंगे कि इसका टोटल आउटकम कितना, यानी कितना संख्या को ये इंगित करता है। इंगित तो सबसे फर्स्ट करेगा आएगा टोटल, इसका आउटकम्स कितना होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल आउटकम्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एंड यहाँ पर जाएगा 8, 8 यहाँ पे है, जो कि इसको फर्स्ट में सही कह रहे हैं कि 8 को करेगा इन प्रायिकता पार्ट में। 8 कितना है इसमें, एक 8 इसमें 1 है, तो इसमें लिखेगा 1/8, क्योंकि इसमें सारी जो इतना संख्या है उसमें सिर्फ 8 एक बार है, तो 1/8। अब सेकंड इसका दो नंबर में हमको यहाँ पर निकाल देना है कि एक विषम संख्या करेगा, यानी इसमें कितना विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, यानी 1, 2, 3, 4, 4/ कुल यहाँ पे 8 है, तो 8 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। थर्ड यहाँ देखेंगे, इसका थर्ड नंबर देखना है, यहाँ पे थर्ड नंबर बोल रहा है कि 2 से अधिक संख्या, यानी 2 से अधिक को करेगा, इन 2 से अधिक को करेगा, 2 से अधिक यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6 को है, तो 6/ यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 4 8। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगला, यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे 9 से कम संख्या करेगा, यहाँ तो 9 से कम संख्या कितना, यहाँ पे 8 गो है, तो यहाँ पे लिखा है कम, यहाँ पे 8 गो है, तो 8/ कुल संख्या भी यहाँ पे 8 गो है, तो 8/8 कट के यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे ये यहाँ हो जाएगा आंसर, इट इज आंसर एंड आई।